नमस्कार। तो आप जानते हैं कि अब एक्शन स्टार्ट हो चुका है और आज से कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशंस। कल पौंडेचेरी का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पौंडेचेरी, मैंने आपको बताया था, तो अगर हो चुका उन लोगों के लिए कम मार्क्स कम बजट वाले, लास्ट में एक ऑप्शन देखने के लिए। तो आज आपको शायद ही इस सीज़न का आखिरी वीडियो होगा आपको ज्ञान देने के लिए, फिर उसके बाद ज़्यादा वीडियोज़ मेरे कट ऑफ्स और उसी बारे में आएंगे कि क्या चल रहा है, कब कोई फॉर्म रिलीज़ हुआ नहीं हुआ, क्या कट ऑफ चल रही है। तो ये आपके लिए ज्ञान जो मैं पिछले दो महीने से दे रहा हूँ, और आप मेरा पुराना चैनल देखोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलती है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, उसका मैंने बड़े अच्छे वीडियोज़ बना रखे हैं, पुराने हैं, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने की। आप सिर्फ उन वीडियोज़ को भी देखोगे तो आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी और आप के साथ गलत नहीं होगा। ये है अगेन फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। कई लोग बड़े दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं और परसेप्शन रहती है कि सर नया कॉलेज वर्सेस तीन साल, कि ठीक है बच्चे के मार्क्स भी कम आए हैं, बजट भी कम है, तो भाई कहते हैं ना कि अगर कुएं में कूदना है तो कुएं में कूदे खाई में। तो एक कॉमन परसेप्शन है कि तीन साल पुराना कॉलेज एक साल पुराने कॉलेज से तो बेटर ही होगा, या सात साल पुराना कॉलेज दो साल पुराने कॉलेज से बेटर ही होगा, तीन साल पुराने, है ना। नहीं, समझाता हूँ, कोशिश करो, देखिए। और अगेन इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। आप मेरा बैकग्राउंड जानते ही हैं, तो हमेशा मैं आपको एक, जैसे कहते हैं, दुनियादारी के हिसाब से समझा पाता हूँ। कोई भी जिंदगी होती है, हम बच्चे होते हैं, बिजनेस होता है, वो अक्सर ना मेरा हाथ ऐसे ग्रो करता है, फिर थोड़ा स्टेबल हो जाता है और फिर ऐसे डिक्लाइन होता है ना। हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, 20 साल तक आते आते हम अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के पीक पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा ऐसे चलते हैं, ज़्यादा वो नहीं बढ़ती है, और फिर शायद हम कहते हैं 35 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, और फिर धीरे 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 करके बोथ मेंटल एंड फिजिकल गोज़ डाउन। सेम थिंग हैपन्स विद द बिजनेस अनलेस अनटिल, ठीक है एप्पल और आप बढ़ते जा रहे हो, और बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो 100 साल बाद भी फिर ऐसे आ गई, करेक्ट। अब आप एक कॉलेज को देखते हो जो खुला था सात साल पहले, बट 7 साल में ना वो ऑलरेडी ये हो चुका है। अब मैं नाम नहीं लूँगा पर आप समझ गए, एक चाहे 2 साल पहले खुला पर वो तो भी ये है, और फिलहाल उम्मीद ये है कि वो 5 साल में ऐसा होने के बदले ऐसा होगा, राइट। तो सरस्वती उन्नाव तो ऑलरेडी ये हो चुका है, दैट मीन्स उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर हम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की बात करें, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना 7 फैक्टर्स डिफाइन करते हैं अच्छा मेडिकल कॉलेज, तो उसमें तो जो उसकी लोकेशन है, अब 8 साल तक, वेरी फ्रैंकली मुझे ध्यान नहीं कितने साल पुराना कॉलेज है, अगर 10 साल बाद भी उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, फैकल्टी आ ही नहीं रही है, फैकल्टी के लिए पैसे ही नहीं है सैलरी देने के लिए, तो काम चलाओ काम किया जा रहा है, तो अब अचानक क्या हो जाएगा। मतलब आप जिसे बोलते हैं ऐसे हो चुके हो, दांत आपके टूट चुके हैं, आंतें ख़राब हो चुकी हैं, जिसे कहते हैं यू आर 65+, विद ड्यू रिगार्ड्स टू ओल्ड पीपल, उसके मुकाबले कॉलेज 2 साल पहले आया है, 3 साल पहले आया, चाहे वरुण अर्जुन टाइप का, यूनाइटेड प्रयागराज टाइप का, वो तो उसके ओनर्स उसके मालिक तो उसे पूरा जोर लगा रहे हैं कि उसको शारदा के लेवल पे लेके जाएं, शिरा मूर्ति के लेवल पे लेके जाएं, हिंद बाराबंकी के लेवल पे लेके जाएं, श्री गुरु रामराय के लेवल पे लेके जाएं, अभी नहीं शायद 10 साल बाद, या अभी इट्स नॉट द राइट कंपैरिजन, बट तो वो जो कॉलेजेस हैं वो ऐसे पढ़ रहे हैं, और कुछ कॉलेज हैं जो ऑलरेडी ऐसे आ चुके हैं। तो ये फ़र्क आपको समझना महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ उस पर मत जाइए सर ये नया कॉलेज है 4 साल पुराना है, बल्कि वो जो 8 साल पुराना कॉलेज है वो 8 साल पुराना होकर भी ऐसे हो चुका है, समझ लीजिए वो तो ख़त्म हो चुका है ना, वो तो सिर्फ पैसा बना रहा है। इसको मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं BCG मैट्रिक्स, होता है बड़ा फेमस, गूगल पे सर्च कीजिएगा 2x2 BCG मैट्रिक्स, यू नो माई बैकग्राउंड। सो इसको बोलते हैं कैश काओ, जो कैश काओ बिजनेसेस होते हैं कि अब उसमें ग्रोथ नहीं बची है और उसको चूस लो, मिल्क कर लो, जितना माल कमा सकते हो कमा लो। एक स्टार बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स में, जो एक होते हैं कि जो ग्रो कर रहा है, राइट। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे, अगर आप BCG मैट्रिक्स गूगल कर लीजिएगा 2x2 मैट्रिक्स, तो कुछ कॉलेजेस आपके ऐसे होंगे जो अभी उस फ्लो में है, जिसे बोलते हैं कि अब बढ़ोतरी के फ्लो में है, जिसे कहते हैं, कुछ हैं जो कि उस स्टेज पे आ चुके हैं कि जिसमें वो ख़त्म हो रहे हैं, कि मतलब डॉग की स्टेज पे आ गए हैं, या मैं आपके लिए बता ही रहा हूँ खोल के, मैं थोड़ा नाम सा भूल गया, दरअसल तो हमने सब IMA पढ़ाई कर पढ़ रखा है, तो जिसको हम कहते हैं कि जो एक ग्रो करता है उसको हम स्टार बोलते हैं, कि पोटेंशियल है अभी उसमें, और एक ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं है जिसको हम डॉग कहते हैं, और एक कैश का होता है कि तो मालिक को कोई पता चल जाता है कि जो मेरा कॉलेज है मेरा अस्पताल है इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, तो ये फ्यूचर का शाइनिंग स्टार है,
या इसका जितना है उसका कुछ नहीं होने वाला, तो कैश काउ है या इसको डॉग भी बोलते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तब तो ये है कि मतलब ओनर को पता है कि पता नहीं कब तक पैसा खा के NMC हमको परमिशन दे रही है, अदरवाइज़ कभी भी हम बंद हो सकते हैं। तो जितना चूसना है चूस लो, समझे बात को। तो 8 साल पुराना 7 साल पुराना भी हो सकता है कि 2-3 साल में बंद हो जाए, और 2 साल पुराना कॉलेज अभी ऐसे चल रहा है। तो अमृता फरीदाबाद ने भी ऐसे जाना है, ग्राफिक ये रहा ऐसे जा रहा है, सिम्बोसिस पुणे भी तो 4-5 साल पहले आया ना, और उसके मुकाबले कोई 8 साल पुराने कॉलेज हैं जो धरती पर बोझ हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ सिर्फ नए से मत देखिए, इस फैक्टर को समझिए, और आप समझ लेंगे कि जिस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं वो इस तरफ जा रहा है या वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बैच है, अभी पहला बैच भी पास नहीं हुआ, पर 4 साल से पढ़ा रहा है। आप पेशेंट फ्लो जाके देखिए, सुबह 10 बजे फिर अंदर जाके देखिए कितने लोग एक्चुअली एडमिटेड हैं IPD, बच्चों से बात कीजिए, फैकल्टी देखिए कितनी एक्चुअली आती है, पेपर की बात अलग आती कितनी है। और उसके मुकाबले चाहे कॉलेज 12 साल पुराना है लेकिन वहाँ कोई पेशेंट नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए वो कॉलेज तो NMC और पेपर वर्क के भरोसे चल रहा है ना। तो ये आपके लिए सलाह है कि सिर्फ टेन्योर पे मत जाइए, नए कॉलेज पे मत जाइए। नया कॉलेज भी ख़राब हो सकता है बिल्कुल, अगर उसकी मैनेजमेंट ख़राब है, किसी लाले ने उसको खोला है, किसी मिठाई की दुकान वाले ने खोला है, विज़ाविस वो कॉलेज जिसको एक वो ग्रुप खोल रहा है जो 40 साल से एजुकेशन सेक्टर में और अच्छा काम करने के लिए मशहूर है। एजुकेशन में भी कई तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जो सर पैसा बनाने के लिए एजुकेशन में, एक होते हैं जो आपको पढ़ाने के लिए एजुकेशन में। सो दोनों का फ़र्क समझिए, उसके हिसाब से कॉलेज के पीछे की मैनेजमेंट क्या है मैं वो भी देखता हूँ। जब मैं आपको सलाह देता हूँ ना कॉलेज के बारे में, अब ठीक है बार बार मैं एक नाम ले रहा हूँ, पर वरुण अर्जुन इंस्पाइट ऑफ बिंग ए न्यू कॉलेज मेरी जो UP की लिस्ट में 13-14 नंबर पर क्यों आता है, बिकॉज वो रोहिलाखंड के मालिकों का कॉलेज है। यूनाइटेड का जो मालिक है वो यूनाइटेड ग्रुप बहुत रिनोन्ड ग्रुप है प्रयागराज एरिया का, उसके हिसाब से हम आपको चूँकि ये जानकारी हमारे पास है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ना हमें यूनाइटेड कोई कमीशन देता है, ना हमें वरुण अर्जुन देता है, ना हमें JNU देता है, ना NIMS देता है। मैंने आपको एक बार बोला है कि 95% ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ज़रूरत नहीं है किसी भी कंसल्टेंट को कुछ भी ओबलाइज करने की। हाँ ज़रूर कुछ नया कॉलेज बंगाल में आएगा या तमिलनाडु में आएगा तो ज़रूर वो डील देता है, और वो डील आप लोगों के लिए भी होती है। राइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग दिस चैनल, और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कट ऑफ्स के बारे में और कैसे कैसे ऑप्शन चलती है वो सब जानकारी मैं कोशिश करूँगा जब भी मेरे पास 5-10 मिनट का समय होगा कि वो वीडियोज़ बनाने की आपके लिए क्या कट ऑफ चल रही है स्टेट बाय स्टेट या क्या कोई स्टेट का फॉर्म खुलेगा। लेकिन कई बार मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पाऊँगा क्योंकि अपने क्लाइंट्स को तो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है तो उसी में मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, यू नो इनफॉर्मली रात को 11 बजे भी कर दिया। अब वीडियो बनाने के लिए तो नहा धो के बैठना पड़ता है, एडिट वगैरह तो मैं कुछ नहीं करता, तो मेरे 8 मिनट का ऑडियो वीडियो होता तो मेरे 12 मिनट ही लगते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बना भी देता हूँ। ओके, मतलब ऑल माई वीडियोज़ जस्ट टू टेल यू आर अनएडिटेड, ये सिंगल शॉट आप समझ ही जाते होंगे। फ़ोन को सामने रखता हूँ स्टैंड पे लगा के, अभी वीडियो स्टॉप होगा क्या, फ़ोन को और वीडियो को एज इट इज़ ही यूट्यूब पे चढ़ा दिया जाएगा, नो एडिटिंग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस, और मैं हमेशा दुआ करता हूँ हर बच्चे को उसकी बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमल सीट मिले जो वो डिज़र्व करता है उसके मार्क्स और उसके बजट में, और यही हमारा ध्येय होता है, यही हम आपको दिलाना चाहते हैं। और भगवान करे आप सबको भी जो हमारे क्लाइंट भी नहीं हैं उनको दूसरे कंसल्टेंट या खुद से काम करके भी वही सीट मिले। बाय बाय, टेक केयर।